हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए स्टीम पंक का एक और नया एपिसोड। गाइस स्टीम पंक के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये खतरनाक एंड ओपी सा स्टीम पंक वाला जो रोबोट है वो यहाँ पे बनाया था, और इसकी मदद से मैंने काफी ज्यादा तबाही जो है गाइस वो पिछले वाले एपिसोड में जो ना गाइस मचाई थी। और अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, इसमें हम लोग सीधा बनाने वाले यहाँ पे एक काफी ज्यादा खतरनाक एंड बड़ी वाली स्टार एयर शिप। भाई बहुत ओपी होगी गाइस, आज जो शिप में बनाने वाला हूँ ना वो कतई ज्यादा खतरनाक होने वाली है। बाकी आज का जो स्ट्रीम पंक का एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग भी दैनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है ना गाइस वो अनलॉक है। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने हैं तो नीचे निट्राडो का लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो चले गाइज, आज का ये वाला जो हमारा पैरा पैरा सा एपिसोड है गाइज वो शुरू कर डालते बिना किसी देरी के और मचा डालते गाइज एकदम फुल टू तबाही गाइज। ठीक है, रुको मेरे को पहले स्टेयर ठीक करने दो, उसके बाद जाके सीधा हम लोग यहाँ पे बनाने वाले अपनी एयरशिप। एयरशिप बनाने के लिए गाइस मटेरियल भाई भर भर के चाहिए, भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मटेरियल चाहिए होगा। लकीली उसमें से मैक्सिमम मटेरियल हम लोग बना चुके हैं। देखते हैं अभी भाई स्टार शिप बनाने के लिए, स्टार एयरशिप बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये रही एयरशिप। ठीक है, जर्नीमैन एयरशिप बूस्टर भी है। वाओ, बूस्टर भी बनाएगा तेरा भाई, यहाँ बूस्टर भी बनाएगा पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एयरशिप बनाने के लिए पहले तो मुझे, अब भाई ये 10-12 बना ले पहली बात, हाँ या 10-12 नहीं लेकिन भाई 8 तो बना ही ले भाई, मैं बोल रहा हूँ ना 8 बना ले कम से कम। क्या स्टीम पावर्ड भाई ये कम पड़ रहा है क्या, चल कोई ना भाई इंजन बना ले तू। मुझे क्या चाहिए भाई, एयरशिप डेक चाहिए। एयरशिप डेक के बराबर बना, 8 नहीं बनाना भाई, 1-2 बना ले क्योंकि इसके लिए भी एयरशिप डेक 2 चाहिए होते हैं। 3 बना ले एयरशिप डेक। ठीक है, इसको बनाने के लिए और क्या चाहिए, ये फ्यूम व्यूम चाहिए ना, बना 1 2 3 4 5 6 7 8 7 डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 बना लिए, डन 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 डन। अभी क्या चाहिए बताओ, वॉल और दूसरी चीज़ है ना, वो तो अपने पास पड़ी हुई है। ठीक है, इसको खींच ले, एयरशिप फ्यूल चाहिए ना एक, हाँ भाई बन गया, इसको एक बना ले। ठीक है डन, उसके बाद एक चीज़ बन गई रही तेरी एयरशिप बल। ओके, अभी मुझे बनाना है एयरशिप, ये 6 बनाने क्या, कॉपर वेजेस मैंने बनाए ही नहीं यार, ये कॉपर वेज बीच क्या है भाई, रुको मुझे देखने दो। ये क्या कर रहा भाई तू, ये क्या मेरे भाई, इंजिन आना चाहिए तंगड़ी। हेलो, ये कह रही शीमड़े हमला करेगा मेरे बेस पे, हमला करेगा भाई बेस पे हमला करा तो ठीक है भाई, लेकिन साथ में वो भी खा के चला गया मेरा कैंटीन। चलो कोई ना भाई, मैं क्या कॉपर वेजेस ना कुछ भाई बनाने के लिए आया हूँ भाई, ये वाले ना, यस ये बना ले भाई, 100 बनाने का डायरेक्टली, ज़्यादा नहीं, 200 बन रहे 200 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 200 बन रहे तो 200 बना दो भाई, कोई सीन नहीं है, बनने दो बनने दो। बाकी यहाँ पे ये बनने दो, ठीक है ये बनने दो भाई यहाँ पे दबा के। इसको क्या हुआ, मेटल इनगट कम पड़ रहा है भाई, मेटल इनगट डाल दो भाई इसके अंदर। रुको गाइस, बहुत सारी चीज़ें कम पड़ रही है भाई यहाँ पे, कितना मेटल इनगट चाहिए बता भाई, कितना मेटल इनगुट चाहिए बता, बस खाली भर भर के दबा के डाल दूंगा भाई। 90,000 मेटल इनगट लेके जा रहा हूँ इसके अंदर डालने के लिए, ठीक है, ताकि कॉपर प्लेटिंग जो है ना जो बनती रहे कंटिन्यूस भाई, वो रुकनी नहीं चाहिए कॉपर प्लेटिंग बनना, कॉपर प्लेटिंग जो है ना जो रुकनी नहीं चाहिए। बनाइए, बना बना, क्या कम पड़ रहा है अभी, कुछ और कम पड़ रहा है नहीं ना, पड़े तो बता देना भाई, तुरंत ही बना लेंगे हम लोग भाई, तुरंत ही बनाने के लिए डाल देंगे। ठीक है, ये लो ग्लासेस बिजेस बन रही है यहाँ पे, डन डन डना डन डन ना। ठीक है चलो आ जाओ, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे जो है ना गाइस बना लेते हैं एयरशिप के पार्ट्स। ठीक है, एयरशिप बूस्टर भी बना ले भाई, एयरशिप बूस्टर की भी ज़रूरत है थोड़ी सी ना। ठीक है हाँ, तो मुझे बताइए क्या चाहिए, 6 ना भाई, 6 ये बना ले चल, उसके बाद काम 25,
क्या हुआ? कॉपर प्लेट चाहिए भाई, कॉपर प्लेट तो डाल दिए मैंने, और क्या चाहिए मेरे को? अच्छा वो वेजेस वेजेस चाहिए, कॉपर प्लेट, एक कॉपर प्लेट भी उठा के लेके आने दो मुझे, ठीक है? काफ़ी सारी कॉपर प्लेट चाहिए यार, यहाँ की कॉपर प्लेट ख़त्म क्या? अरे यहाँ की कॉपर प्लेट तो भाई ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, ठीक है रुको, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, थोड़ी ले ले भाई अपने इन्वेंट्री में ले ले, रुको थोड़ी सी कॉपर प्लेट्स में ले लेता हूँ, ये थोड़े से ले लेता हूँ, बाकी इतने से जो भाई हमारे इक्विपमेंट है वो बन जाएंगी। यहाँ पे प्लेट कितनी है? ओ प्लेट सच में खत्म है गाइस। एक काम करते, प्लेट बनने का इंतजार करते, रुको थोड़ा इंतजार करते, तब तक ये जो है ना गाइस हमारे बम्बू की तरह दिखने वाली चीजें जो भी है गाइस ये भी बन जाएंगे, ठीक है? रुको गाइस, कॉपर प्लेट बनने का इंतजार करते थोड़ा सा। A few moments later. यहाँ पे गाइस जो बम्बू थे वो बन के रेडी है गाइस हमारे। रुको पहले तो मैं ये बम्बू जो है ना गाइस ये उठा लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से कॉपर प्लेट जो है ना गाइस वो उठा लेते हैं। कितनी बन गई है भाई? बहुत ज़्यादा बन गई लग रहा मेरे को तो भाई। वो ऑटोमेटिकली खींच रही है क्या पहले देख लूँ, क्योंकि इतनी कॉपर प्लेट उठा के मैं लेके नहीं जा सकता, और भी काफ़ी सारी कॉपर प्लेट्स वहाँ पे बन रही है। ठीक है पहले बम्बू डाल इधर और कॉपर प्लेट डाल दे भाई, ठीक है? चलो आ जाओ भाई, आज तो एयरशिप बन के रहेगी भाई। भाई एयरशिप बनाना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं होता है मेरे दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये बन गए 6 हमारे ही है, ठीक है? इससे हमारी एयरशिप बनेगी, ठीक है? बाकी ये मेरे को एक बनाना भाई, ये क्या है? स्टीडली इंक्रीज द स्पीड ऑफ एयरशिप। भाई कितने बनेंगे? 4 बना लो, 2 बना लो, 2 बना ले अभी के लिए भाई। इसके लिए तो भाई एयरशिप इंजन 26 चाहिए। तेरे पप्पा ने एयरशिप इंजन 26 दिए थे क्या? और एयरशिप फ्यूल बोल रहा है 26 चाहिए, मजाक कर रहा भाई। ये 26 चाहिए और एयरशिप इंजन भाई 26 चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? ये 26 बन जाएंगे भाई, इसका कोई सीन नहीं है भाई, ये 26 बन जाएंगे। एयरशिप इंजन 26 बनाने के लिए मुझे भाई स्टीम पावर प्रेस 50 बनानी पड़ेगी। पहले एयरशिप बना ले भाई, ना ना एयरशिप 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 बाद में बना ले, पहले तो ये बना ले भाई, ठीक है? रुको रुको एक काम कर लेता हूँ मैं अभी, जो ना कि हम लोग एयरशिप इंजन बना के रहेंगे भाई। मुझे भाई पहले वो पावर प्रेस जो है ना गाइस वो यहाँ पे 26 बोले तो भाई 50, ठीक है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे भाई 60 बनाने दो अभी 60 भाई। स्टीम स्टीम पावर इंजन कहाँ पे? ये वाले भाई 60 बनाने दो, 60 बनेंगे क्या बताओ मुझे? पहले इजीली बन जाएंगे, कॉपर प्लेट की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, तब तक तो कॉपर प्लेट भी बन जाएंगे। चलो इनको बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे 47 बन रहे, बाकी तो गाइस यहाँ पे बन ही जाएंगे, ठीक है? तब तक कॉपर प्लेट गाइस यहाँ पे बन रही है, टेंशन नहीं लेने का, बन रही है कॉपर प्लेट। रुको ये बनने तो टाइम लग जाएगा इनको बनने में यार थोड़ा सा। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे वापस से बहुत ही ज्यादा इंतजार करने के बाद हमारे जो ना गाइस यहाँ पे स्टीम पावर्ड प्रेस भाई बन चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा बन गए गाइस, बाकी तो हमारे जो प्लेट से वो बनाने का काम स्टिल यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, ठीक है? प्लेट भाई यहाँ पे जो ना गाइस बनने का काम कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जो प्लेट है ना कॉपर की उनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो यहाँ पे फ्लुई बुई जो भी था वो बन चुका, हाँ ये भी बन गया है, ठीक है? एयरशिप 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 इंजिन 26 चाहिए क्या? तो मैंने क्या बना लिया भाई? मैंने एयरशिप फ्लुई 26 बना दिया क्या? एयरशिप इंजन 26 चाहिए थे, और क्या क्या चाहिए था इसके लिए? अच्छा फ्लुई और इंजन 26 चाहिए ना, 1 2 3 रुक जाओ 26 खींच ले। कॉपर प्लेट कम पड़ रही है क्या? और भाई वो भी जुगाड़ हो जाएगा, दो कितनी बन गए भाई बताऊँ? 3 4 5 6 भाई कितने इंजन बन रहे हैं बता दो भाई? 13 इंजन बन रहे हैं, ठीक है? टोटल 13 इंजन बन रहे हैं, और हम लोग को कॉपर प्लेट की और थोड़ी सी ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? ताकि यहाँ पे इंजन जो है ना गाइस और थोड़े से बन सके। तो एक काम करते हैं, कॉपर प्लेट बनने दो गाइस और, ठीक है? हम लोग को इंतजार में इंतजार करना पड़ रहा है यार, इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कॉपर प्लेट और बनने दो, कॉपर प्लेट में वहाँ से उठा के डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद हम लोग बचे हुए जितने भी इंजन है वो सारे इंजन बना लेंगे। उसके बाद हम लोग बूस्टर भी बनाएंगे हमारे एयरशिप का, ठीक है? रुको गाइज, वेट अ मिनट गाइज, इतनी मेहनत कर रहे हैं एयरशिप बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है, फटाफट कर देना लाइक अगर आपने अभी तक नहीं करा होगा तो गाइज, ठीक है? फटाफट से लाइक कर देना। 3 days later. जितनी भी कॉपर प्लेट बनी थी सारी मैं यहाँ पे लेके आ चुका, और इसके अंदर हम लोग ने डाल दी है, ठीक है? अभी गाइज यहाँ पे मैं इंजन बड़े आराम से बना सकता हूँ। मुझे और भाई यहाँ पे चाहिए 10 इंजन, क्या मैं 10 इंजन बना सकता हूँ? ईजी पीजी गाइज, ईजी पीजी 10 इंजन बन जाएंगे, ठीक है? ये तो एयरशिप हमारी बन रही है, बट पहले मैं बूस्टर बनाना चाहूँगा, उसके बाद ये गाइज हम लोग एयरशिप भी बनाएंगे।
भाई बूस्टर के बिना एयरशिप का क्या काम बताओ। और पता चला भाई मैंने एयरशिप बनाया और एयरशिप बेच के क्या पे अटकी गई, बाहर ही नहीं निकली, तो फिर वह लगी पोपड़ हो जाएगा। चलो कोई ना, लेकिन भाई मेहनत कर रहे हैं गाइस हम लोग, ठीक है मेहनत कर रहे हैं हम लोग को, जो ना गाइस इसका मिलेगा फल, एयरशिप होगी एक नंबर की गाइस अपनी, जो हम लोग यहाँ पे बना रहे। पाँच और इंजन बनने बाकी है गाइस, खाली पाँच और इंजन बनने बाकी है, उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा काम जो ना गाइस वो खत्म। फिर हम लोग डायरेक्टली बूस्टर बनाएंगे गाइस, एयरशिप का बूस्टर, जिससे एयरशिप भाई एकदम फुल स्पीड में दौड़ेगी। हमारे पास 90 बैरल्स पड़े हुए हैं, 19 में 9 बैरल ले लेता हूँ, 10 अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। ये बन गया अपना एयरशिप का एक भाई बूस्टर, एयरशिप बूस्टर एक बनाने के लिए पूरे एयरशिप से ज़्यादा भाई यहाँ पे सामान लगा है, बताओ भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, कोई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने एयरशिप भी बनाने के लिए डाल ही दिए। एयरशिप बूस्टर उठा ले, ये मैन्युअली फीड करना पड़ेगा कि उसके अंदर, ठीक है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एयरशिप भाई, ठीक है चलो देखते हैं। अभी भाई एयरशिप बनने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, एकदम हल्लो 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 करके बन रही है एयरशिप। देखते क्या लगता है गाइस आपको, कितनी बड़ी होगी हमारी एयरशिप, हाँ एकदम बड़ी होगी या फिर नहीं होगी। और एयरशिप जो है ना गाइस वो बनाने के साथ यहाँ पे हम लोग को वार्निंग भी पढ़ लेनी, यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग, यूज दिस इन अ ओपन एरिया टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्टक, डू नॉट यूज दिस व्हाइल ऑन अ फ्लायर, ठीक है गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जो है ना गाइस यहाँ पे थोड़ा सा भाई यहाँ पे सेफली थोड़ा सा ओपन में रख लेना है, ताकि भाई ये अटक भिटक ना जाए। मतलब एयरशिप अगर हम लोग भाई किसी जंगल विंगल में पहाड़ी बेड़ के बीच में लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अटकेगी, ठीक है भाई। बारिश भी अभी आनी थी, अभी एयरशिप बन के भाई निकलने वाली है, भाई बारिश को भी अभी आना था। आज तो वेट पे वेट करना पड़ रहा है, पहले कॉपर प्लेट के लिए वेट करो, अभी बारिश जाने के लिए अलग से वेट करना पड़ेगा मेरे को। भाई हाई हमारी ज़िंदगी भाई वेट करने में निकल गई आज तो भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या कम पड़ रहा है तुमको, मेटल इनगट। अरे यार ये बनने में भाई काफ़ी ज़्यादा जो ना गाइस मेहनत लग रही है, मेटल इनगट तो कचरे की तरह भाई ख़त्म हो रहा है इसको। और भाई भर भर के मेटल इनगट वहाँ पे डाल के आ जाता हूँ मैं, मेटल इनगट की जो ना काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ रही है। कॉपर वाले जो ओर्स होते हैं ना जिससे कॉपर प्लेट बनती है वो बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं मेटल इनगट यहाँ पे डाल देता हूँ, ये डाल दे इनगट, काम चालू ना भाई, काम चालू कर दो भाई, काम चालू, लेट्स गो। वापस से कॉपर के ओर बनना चालू हो चुके हैं, एंड देखते हैं गाइस कि हमारी फैक्ट्री जो है, एयरशिप बनने वाली है गाइस, एयरशिप बनने वाली है, एयरशिप दे रहे भाई की पर्सनल प्राइवेट एयरशिप यहाँ पे अभी आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन हो जाएगी एयरशिप और उसके अंदर बैठ के डायरेक्टली मैं चलाऊंगा नहीं डायरेक्टली बारिश जाने का इंतजार करेंगे, अंदर में क्या ठीक से देख पाएंगे एयरशिप को, बताओ आगे एयरशिप। ए क्या हुआ, ओ इसको हम स्पॉन कर सकते हैं बोल रहे, ओपन में जाके स्पॉन करो बोल रहे, ठीक है चलो फिर एक काम करते हैं, बारिश जाने दो, जैसे बारिश गई वैसे गाइस एयरशिप तुम्हारा भाई यहाँ पे स्पॉन कर लेगा, ठीक है। बारिश को जाने दो पहले, ठीक है, वेट अ लिमिट गाइस। बारिश फाइनली जा चुकी है और अभी एयरशिप को चेकआउट करने का टाइम आ चुका है, रेडियो गाइस, 1 2 3 हियर वी गो। हाँ ओ भाई साहब इतनी ज्यादा बड़ी एयरशिप, भाई भाई बेटी निकालो भाई, ये एयरशिप है मजा के भाई, भाई साइज तो देखो गाइस उस एयरशिप का, वे कहाँ पे, इधर आओ बे इसकी आग भाई। अबे ये एयरशिप नहीं है ये भाई, ये तो पूरा घर है, अबे सच में ये घर है गाइस, ये देखना हम लोग यहाँ से ऐसा ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारे डायनोस भाई पार्क करके रख सकते हैं इजीली। अरे भाई पीटी ना पच जाए भाई, आप यहाँ पीटी रह गया ना तो ऊपर आने का कोई और भाई तरीका नहीं अपने पास, इसको क्रैव कर ले पहले, ठीक है भाई। रुको मेरे को एयरशिप देखने दो भाई, ये एयरशिप नहीं है भाई, ये भाई बना बनाया घर है भाई यहाँ पे, ये ले बेटा यहाँ से उर्रेपू आप रे, यहाँ पे तो रूम भी बना हुआ है गाइस एक बड़ा सा, जो कि अपना गाइस यहाँ पे कॉकपिट है, ये अपना कॉकपिट है भाई, ये कॉकपिट है अपना, और मशीनरीज देखो भाई यहाँ पे, होली शिट ड्यूड। गाइस इस एयरशिप के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, इस एयरशिप के ऊपर हम लोग भाई अपना पर्सनल प्राइवेट घर बना सकते हैं लिटरली भाई, मजाक हो रहा है क्या, खतरनाक भाई मजा ही आ गया गाइस इस एयरशिप को तो देख के भाई, इतनी ज़्यादा बड़ी एयरशिप मैंने ज़िंदगी में ना देखी है। वो यहाँ पे एक स्टैचू भी लगा हुआ है भाई अंकल जी का, ठीक है रुको यहाँ से नीचे उतर जाओ भाई, नीचे भाई यहाँ पे भाई जैसे एक एयरशिप होती है ना वैसी सब कुछ है, कमरे बना सकते हैं हम लोग, रूम्स बना सकते हैं, यहाँ पे जो बनाना है वो बना सकते हैं गाइज, फुल स्पेस दिया हुआ है भाई। ये लो टेबल भी लगा सकते हो, देखो जो लगाना है वो लगा सकते हैं गाइज हम लोग यहाँ पे,
भाई मजाक हो रहा है क्या? डायनो वार्निंग जोन ऑन, ये क्या चीज है? पता नहीं, जो भी चीज है, खतरनाक चीज है भाई, खतरनाक चीज है भाई। भाई ड्राइव कर ले, ड्राइव कर ले, इसको चलाना चाहता हूँ। ओ भाई साइज तो देखो, ओ भाई कॉकपिट में से व्यू तो देखो। ओ यहाँ पे भाई रुको, सारी चीजें लिखी हुई है कैसे क्या होता है भाई। पहले इंजन चालू कर लो भाई। ये तो मुझे जो है ना गाइस, भाई एवेंजर की शील्ड वाली शिप लग रही है। वो दबा। ओ भाई ये देखना गाइस, धुआं निकल रहा है और सारे के सारे पंखे भी चालू हो चुके हैं। जहां पे मैं मुड़ रहा हूँ वहां पे उस डायरेक्शन में मुड़ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बताओ स्पेस से क्या होगी, लैंड होगी ना, सी से ऊपर जाएंगे भाई। ओए भाई ये तो पंखे पिंखे चेंज हो रहा है उनका, और उसमें से पंखों में से हवा भी निकल रही है। ये देखना जिस तरफ हम लोग जाना चाहते हैं उस तरफ, बस वो कर देना पंखे जो है ना गाइस वो हो जाएंगे। देखो उल्टा, हाँ भाई रिवर्स जाओगे तो पंखे उल्टे घूम जाएंगे। यार गाइस इसके लिए भाई 1K लाइक चाहिए भाई, 1K। ये देखो अपने इंडिविजुअल घूमते क्या, ये देखना देखना उल्टे सुलटे भाई। टर्न लेने के लिए एक साइड अगर टर्न लेनी है तो एक ही तरफ के पंखे बस यहाँ पे घूमेंगे, एक तरफ के जो है ना गाइस वो भाई स्टेबल रहेंगे। मतलब डिटेल देखो गाइस, डिटेलिंग देखो, देखना डिटेलिंग, डिटेलिंग देखना। अगर भाई हम लोग एक साइड का जो है ना गाइस नहीं मोड़ना चाहते और पूरा मोड़ना चाहते तो दोनों तरफ के भाई मुड़ जाएंगे आप पे विंग्स जो है भाई, खतरनाक भाई। और ऐसे लेफ्ट डिसे राइट, नाइस वन। वो पंखे भी घूम रहे भाई, इससे वो, इससे यहाँ पे ऑटो पायलट, एप से अपना इन्वेंट, क्यू से ऑटो पायलट है, हैं ऑटो पायलट है गाइज भाई, ऑटो पायलट मोड है भाई ऑन, ऑटो पायलट पे चलेगा। बस हम लोग को जो है ना गाइज ऐसा माउस घुमा लेना है भाई, ठीक है, हम लोग को माउस घुमा लेना है, हाइट बीड भाई वो कर देनी है, ऑटो पायलट चलेगा। बाकी बाकी ऑटो पायलट चलेगा, इसे छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पे चलती रहेगी कैसे शिप भाई। क्या खतरनाक शिप बनाई है तेरे भाई ने। और क्या है, और क्या बता, और क्या भाई, राइट क्लिक पे कंट्रोल इनेबल डिसेबल, क्या असेंडेड कंट्रोल इनेबल, ये क्या होता है, एयर ऑन, एयर ऑन एयरशिप भाई, बज ही नहीं रहा एयर ऑन तो, एयर ऑन बज भी रहा होगा तो मेरे को क्या सुनाई देगा, मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो बज रहा है, बज रहा है, एयर ऑन बज रहा है गाइस, बज रहा है, बज रहा है भाई, ठीक है। और इससे लेफ्ट क्लिक से डिसेंड और असेंट, अच्छा डिसेंड और असेंट ऊपर नीचे, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। सी पे खतरनाक है गाइस, एक मिनट, इसके अंदर अपना वो डाल दें, इसके अंदर भाई बूस्टर, व्हाट द हेल, ये बूस्टर इंस्टॉल करा है, मजाक करा भाई तूने, बूस्टर इंस्टॉल करने पे एनिमेशन देखना, एनिमेशन दिया तो खतरनाक वाला था लेकिन अभी नहीं दे रहा भाई, ठीक है चलो बूस्टर इंस्टॉल कर दिया मैंने। वो वो बूस्टर इंस्टॉल करने के बाद भाई साहब मेरे इस शिप के अंदर से तो भाई एनर्जी बाहर निकल रही है भाई, एकदम फुल फुल एनर्जी बाहर निकल रही है। ऑटो पायलट बंद कर दे भाई इसके आग, मैं खुद चलाएगा इसको, ये देखना भाई एकदम लाइट स्पीड से तो नहीं चल रहे लेकिन स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है, ठीक है। बूस्टर लगाने के बाद हाँ फ्यूल कंजम्पशन बहुत है भाई, बूस्टर पे फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है गाइस, फ्यूल जो भाई वेस्ट हो रहा है, देखना फ्यूल देखना कैसे भाई मक्खन की तरह भाई यूज़ हो रहा है गाइस यहाँ पे, देखना गाइस कैसे खत्म हो रहा है भाई, बैरल्स पे बैरल्स खत्म हो जाएंगे अगर मैं ये यूज़ करूँगा बूस्टर तो। बट जो भी चीज़ें खतरनाक है, और गाइस इतनी खतरनाक भाई डिज़ाइन, ऐसी खतरनाक एयरशिप मैंने जिंदगी में नहीं देखी है, मैं भाई लिख के देता हूँ भाई। वो बूस्टर चलाने के बाद ना जो पिछवाड़े पे अपने लगे हुए भाई थ्रस्टर है ना गाइस वो चालू हो जाते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखना थ्रस्टर पिछवाड़े पे लगे हुए चालू हो जाते हैं, और उस रीजन से हमारी जो भाई शिप है वो काफ़ी ज़्यादा तेज भाई यहाँ पे चलती है भाई, खतरनाक यार। ओ भी बोलते ब्रो, ए चले चले इसको लेके चलता हूँ मैं, इसकी स्पीड तो खतरनाक है लेकिन उतनी भी खतरनाक नहीं है, और जितना बूस्टर पे पैसा वेस्ट करा है ना उतना भाई मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से आप मतलब अच्छा करा अपन ने भाई, मतलब इतनी रिसोर्सेज बूस्टर पे यूज़ करके, क्योंकि बूस्टर किसी काम का लग नहीं रहा मेरे को। ये लैंड करा भाई, लैंड करा भाई, हॉर्न बीन बज रहा है भाई, ये लैंड करा दे, लैंड करा दे, लैंड करा दे, लैंड करा दे, लैंड करा दे अपने एयरशिप, हाँ लैंड करा जेब बार। अरे अरे बस 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 इतना भी नहीं पगले, इतना भी लैंड नहीं कराना है कि भाई ज़मीन में घुस जाना है। हाँ हाँ रुको रुको लैंड कराओ, हाँ बस ये तुम्हारा ये बंद कैसे होएगा भाई, ये थ्रस्टर तो बंद करा दो। अबे तो भाई स्पीड मोड कैसे बंद होगा, ये बंद ही नहीं हो रहा भाई थ्रस्टर, ए भाई इसको रिमूव कर दे भाई, अनइक्विप फिर भी बंद नहीं हो रहा भाई इसके, ठीक है छोड़ दे भाई,
छोड़ दे, नीचे उतार, नीचे उतार, अबे नीचे उतार ना भाई, हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है, नीचे नहीं उतर, अबे नीचे उतार दे, अबे नीचे उतार दे, हाँ बस बस बस, एकदम नीचे नहीं, ओए धुआं धुआं देखो क्या उड़ रहा है भाई, ठीक है संभल के, संभल के, अबे अपने मर्जी से आगे जा रही है भाई, ऑटो पायलट बंद भाई, ऑटो पायलट बंद करना बाबा, हाँ ऑटो पायलट बंद है भाई, ठीक है ऑटो पायलट बंद नहीं था अभी तक लग रहा है मुझे, ठीक है रुको, ये भाई यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, निकाल लेता हूँ भाई, ठीक है हाँ शील्ड बंद हो गई फाइनली, ऑटो पायलट चालू था इसलिए वो शील्ड पे बंद नहीं हो रही थी, यहाँ पे इसको लैंड करा दे, इसी ऐसे लैंड करा दे पानी के ऊपर, ठीक है पानी के ऊपर लैंड करा दे भाई, मस्त बेकी एंड भाई इसको कोई उड़ा बिड़ा ना डाले भाई, ठीक है वही टेंशन है, क्योंकि एक काम कर लेना भाई, एक काम कर ले, नहीं 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 रिस्की है भाई, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा काम रिस्की है भाई, ऊपर चल ले, ऊपर चल ले, ऊपर लेके चल, ऊपर लेके चल, अबे ऊपर कैसे जाएंगी, हाँ हाँ ऊपर चल ले भाई, ऊपर चल लो, ऊपर चल लो, ऊपर चल लो, ऊपर चल लो आराम से, क्या जिसको ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है आराम से ऊपर लेके जा रहा हूँ, उनको ऊपर लेके जाके जो ना गाइस ऊपर हवा में गाइस मैं इसको बंद कर दूंगा, क्या ना गाइस मैं अगर जमीन पे करूंगा ना कोई आएगा इसको डैमेज देगा और मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत जो मैंने करी इसको बनाने में सारी वेस्ट चली जाएगी, इंजन ऑफ कर ले, इंजन ऑफ कर ले, इंजन ऑफ, इंजन ऑफ, नाइस वन, हवा में भाई लटके रहना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हवा में रहेगी सिक्योर रहेगी, जमीन पे रहेगी कोई ना कोई आके इसको उड़ा के लेके मतलब तोड़ बीड़ के डैमेज वेमेज दे के चला जाएगा, और इतने मेहनत से बनाई है इसको बनाने में इतना ज़्यादा गाइस खर्चा लगा है, इक्विपमेंट्स लगे हैं, सो इसलिए गाइस हम लोग जो ना गाइस अफोर्ड नहीं कर सकते इसको भाई यहाँ पे लूज करना, भाई इसके विंग्स के ऊपर भी मैं बैठ सकता हूँ, अच्छा नहीं बैठ सकता क्या, खतरनाक यार, बताओ गाइस आपका वारी, ये नई वाली एयरशिप खतरनाक सी बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली एयरशिप कैसे लगी, और गाइस ये एयरशिप देख के शील्ड वाले गाइस उस पुराने एवेंजर में जो शील्ड वाला जो जहाज था उसकी याद आई कि नहीं ये भी बता देना, बाकी तो मिलते सीधा गए सबसे अगले एपिसोड में, आर्क सिर्फ वावली बोल के आर्क स्टीम पंक है, तब तक के लिए बाय बाय, अभी तक सबमरीन बनाना बाकी है और बहुत सारी चीज़ें बनाना बाकी है, सब बनाएंगे अपन आने वाले एपिसोड में, ठीक है मिलते अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बाय बाय गाइस, मिलते अगले वीडियो में।